दोस्तों सभी मैचेस की ग्रैंड लीग टीम के लिए और नए नए ऑफर्स एंड गिवेस के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जाइए लिंक पे क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वन ऑफ द बेस्ट फैंटेसी यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 5 को लेके। और ये वीडियो होगा ग्रैंड लीग स्पेशल, यानी कि इस वीडियो में हम सीधी सी बात है कि ग्रैंड लीग को टारगेट करेंगे कि कैसे आप लोग ग्रैंड लीग के है वो कॉम्बिनेशन रेडी कर सकते हैं। देखिए जो स्मॉल लीग के लिए फिर फुल स्टैट्स वाला जो वीडियो है, जहां पे हर प्लेयर्स के स्टैट्स है, इन दोनों के जो प्रैक्टिस मैचेस है उनके स्टैट्स वहां पे मिलेंगे, जो पिच रिपोर्ट है जो लास्ट के 2018 के मैचेस है वो आपको यहां पे मिलेंगे, प्लेयर्स बैटल आपको उस वीडियो में मिलेगा। तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा टीम बनाने के लिए कि किन-किन प्लेयर्स को लेना चाहिए। तो वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को चेकआउट कीजिए, इसी चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। साथ ही साथ आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आपको फाइनल टीम मिलेगी, जो प्लेइंग 11 है बैटिंग वाइज टॉस के बाद वो आपको वहां पे मिलेगी। इसके साथ साथ मेरी जो पर्सनल टीम है जो मैं देता हूं, मैं जिसके साथ खेलता हूं, मेरे जो विनिंग स्क्रीनशॉट है सारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, बहुत इंटरेस्टिंग मजे करेंगे, अलग अलग बातें हम वहां पे शेयर करते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आओ टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। अब देखिए, अब यहां से आप लोग देखते जाइएगा, मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैसे है वो आप किन किन प्लेयर्स को कहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, मैं आपको 2-3 दिनों से जो हम ग्रैंड लीग वीडियो बना रहे हैं वहां पे मैं आपको जो कॉम्बिनेशन, एक पहला जो कॉम्बिनेशन देता हूं वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा अलग मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि वो चीज शायद आज के मैच में ना हो। देखिए आप 5 से 6 मैचेस में वो चीज जरूर होगी लेकिन शायद आज के मैच में ना हो, इसलिए मैंने ये टीम कैसे बनाई है थोड़ी सी अलग है, 1-2 प्लेयर को लेकर अलग है, बाकी सेम वैसी ही टीम है। देखिए दोनों टीमें हैं, देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहां से है ना वो सनराइजर्स हैदराबाद के 2 प्लेयर्स बैट्समैन, 2 बैट्समैन को लिया हुआ है और यहां पे 5 गेंदबाज है सनराइजर्स हैदराबाद के। मुझे लग रहा है कि सनराइजर्स हैदराबाद पहले बॉलिंग करेगी और 500 गेंदबाजों को विकेट मिलेगी और यहां पर मैंने केवल 4 प्लेयर्स को लिया हुआ है राजस्थान रॉयल्स के। अब देखिए मैंने यहां पर है ना वो सनराइजर्स हैदराबाद के ओपनर्स को नहीं लिया, दोनों को मैंने केवल 1 ओपनर को लिया है। यहां पे ओपनिंग करने के चांसेस किसके हैं, अभिषेक शर्मा के हैं और यहां पे राहुल त्रिपाठी, ये दोनों ओपन कर सकते हैं। अगर उनकी जगह पे कोई और आता है तो आप उस चीज से देख लेना। और मुझे लगता है कि ये दोनों लंबा नहीं खेल सकते एक साथ, मतलब अगर 140 रन बनते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि ये दोनों 140 रन बना सकते हैं। इसलिए मैंने क्या किया, जो वन डाउन का बैट्समैन है, कि कौन, केन विलियमसन जो वन डाउन का बैट्समैन है उसको मैंने अपनी टीम में ले लिया। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर एक विकेट गिर रही है इसलिए मैंने क्या किया है, एक विकेट गिर रही है इसलिए मैंने जिमी निशम को अपनी टीम में ट्राई किया है क्योंकि ये गेंदबाजी करेंगे और एक विकेट शायद इन्हीं को मिल जाए और ये आपको बैटिंग से भी, क्योंकि अगर हम यहाँ पे किसको नहीं लेके चले, संजू सैमसन को, सॉरी क्या नाम है उसका, बटलर को नहीं लेके चले हैं, यशस्वी जायसवाल को लेके नहीं चले, तो जाहिर सी बात है कि ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर एक चीज आप ये भी कर सकते हो कि संजू सैमसन की जगह आप लोग है वो बटलर को ले सकते हो। जी हां, संजू सैमसन, हमें 4 प्लेयर्स को लेना है राजस्थान के, तो संजू सैमसन की जगह आप लोग है वो बटलर को ले सकते हो, यह चीज आप लोग ध्यान रखना। जिमी निशम की जगह अलग गेंदबाज भी ट्राई कर सकते हो लेकिन मुझे लगता है ये गेंदबाजी करेंगे तो फिर आपको बैटिंग से भी थोड़े बहुत पॉइंट दे जाएंगे, इसलिए मैंने है वो इनको ट्राई किया। देखिए ये एक सबसे फेवरेट कॉम्बिनेशन है जो 5-6 मैचों में होगा, इसलिए मैं आपको ये सजेशन देता हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस टीम के साथ आज ही जाइए, मैं आपको केवल सजेस्ट कर रहा हूं कि शायद ओपनर्स ऐसा ना कर पाए इसलिए वो चीज शायद इस मैच में आपको देखने को ना मिले। अब चलिए हम बात करते हैं कि आप कैसे टीम बनाएंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विकेट कीपिंग से, तो देखिए बटलर है यहाँ पे, बहुत बढ़िया प्लेयर है, यहां पे जो पुणे की पिच है महाराष्ट्र एसोसिएशन की, वहां पे इनका है वो जो एवरेज है वो भी काफी बढ़िया है, बैटिंग फ्रेंडली पिच भी है। संजू सैमसन ने भी यहां पे बड़े बड़े हिट्स लगाए हैं, हालांकि सेंचुरी भी इस मैदान पे की हुई है, तो बैटिंग फ्रेंडली पिच है, संजू सैमसन यहां पे अच्छा रहेंगे। निकोलस पूरन रिसेंट फॉर्म काफी अच्छा रहा, अभी इंडिया के अगेंस्ट T20 में अच्छा करके गए, बाकी यहां से मुझे लगता है कि कोई खेलेगा नहीं। अब देखिए यहां से क्या कर सकते हो कि राजस्थान की टीम अगर पहले बैटिंग कर रही है, मान लीजिए जोस बटलर है और यहां से कौन, यशस्वी जायसवाल ओपन करेंगे, मान लीजिए ये दोनों ओपन करेंगे,
जी हाँ, मान लीजिए ये दोनों ओपन करेंगे, या फिर आप क्या मान सकते हो, या फिर आप ये मान सकते हो कि इनकी तरफ से है ना सनराइजर्स हैदराबाद की टीम पहले बैटिंग कर रही है और त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा, जी हाँ त्रिपाठी और अभिषेक शर्मा है वो पहले ओपन करेंगे। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि ग्रैनली खेल रहे हो तो इन दोनों, ये दोनों प्लेयर बढ़िया है, जी दोनों प्लेयर में पोटेंशियल है, लेकिन जहां तक मुझे लगता है, देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ये 14 मैच खेलेंगे ना तो मान के चलना कि एक मैच ऐसा हो सकता है शायद आज वाला ही हो अगर खराब किस्मत हो, कि ये दोनों एक साथ परफॉर्म कर पाए एज ए ओपनर, दोनों एक साथ लंबा परफॉर्म कर पाए एज ए ओपनर। हाँ 20-25 रन बना सकते हैं या फिर 30 के अराउंड बना सकते हैं, लेकिन दोनों लंबा खेल जाए वो मुझे नहीं लग रहा है। तो अगर आप यहां पे जा रहे हो तो क्या कर सकते हो कि दोनों, या तो आप क्या कर सकते हो, देखिए बैटिंग फ्रेंडली पिच है तो मैं आपको ये तो नहीं बोलूंगा कि दोनों को ड्रॉप करके जाइए, आप एक को ड्रॉप कर सकते हो, जैसा कि मान के चलिए हमने यहां से क्या किया, अभिषेक शर्मा को ड्रॉप किया। अब अभिषेक शर्मा को अगर हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं तो यहां पर जो पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे राजस्थान की तरफ से कौन करेगा, एक तो ट्रेंट बोल्ट करेंगे, कहां गए, जी हां एक तो यहां से कौन करेगा, ट्रेंट बोल्ट करेंगे, सॉरी कहां गया यार, एक तो ये मिलते नहीं है, एक तो प्रसिद्ध कृष्णा करेंगे पावर प्ले में गेंदबाजी और एक यहां से ट्रेंट बोल्ट करेंगे, तो यहां से दोनों ही इंपोर्टेंट हो जाएंगे, यहां से दोनों ही इंपोर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों इंपोर्टेंट क्यों हो जाएंगे राजस्थान की तरफ से, क्योंकि ये पावर प्ले में भी करेंगे, ये भी पावर प्ले में करेंगे और ये राजस्थान के डेथ के गेंदबाज है, तो अगर इनको पावर प्ले में मान के चलिए कि दोनों को आप लोग ले रहे हो ना, तो दोनों में से एक को अगर विकेट मिलती है तो दूसरा है वो डेथ में जाके शायद इनको विकेट मिल जाए या फिर इनको डेथ में जाके मिल जाए, तो ये दोनों गेंदबाज इंपोर्टेंट हो जाते हैं। जी हां ये दोनों गेंदबाज, देखिए एक टीम बना रहे हो तो ऐसा कर सकते हो, लेकिन मैं आपको कॉम्बिनेशन बनाना सिखा रहा हूं, आपको 5-6 टीमें लगानी है, आप जो आप ऐसा सोचोगे कि मैं आपको ग्रैंडली की टीम दे रहा हूं, नहीं मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं, यह चीज आप लोग ध्यान में रखना। तो हमारी टीम में ट्रेंट बोल्ट भी हो गए और प्रसिद्ध कृष्णा भी हो गए, क्यों हो गए, क्योंकि ये पावर प्ले में भी गेंदबाजी करते और ये डेथ में भी गेंदबाजी करते हैं, तो दोनों में से अगर एक आउट होगा ओपनर तो दोनों में से एक को तो विकेट मिलेगी और एक डेथ में जाके निकाल सकता है, या फिर दोनों को आप ड्रॉप करते हो तो फिर आप वैसे भी दोनों को लेके जा सकते हो। अब वन डाउन बैटिंग करेंगे केन विलियमसन। अब केन विलियमसन देखिए जो मोस्ट ऑफ जो बर्डन रहेगा ना अपनी टीम को आगे ले जाने का संभालने का वो केन विलियमसन पे रहेगा, इसलिए यहां से केन विलियमसन एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है, शानदार बल्लेबाज है और थोड़ा सा अमोंग द ग्राउंड खेलना पसंद करते हैं, तो 25-30 रन बनाएंगे तो मुझे लगता है वो बैटर हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद यहां पे चार नंबर पे आपको दिख सकते हैं एडॉन मरकरम, जी हां एडॉन मरकरम आपको दिख सकते हैं, एडॉन मरकरम यहां से आपको है वो दिख सकते हैं। तो क्या क्या हो गया, देखिए एक टीम से बल्लेबाज आपको तीन ही लेने हैं, जी हां आप या तो त्रिपाठी, केन विलियमसन और एडॉन मरकरम, ये तीन आपको तीन ही बल्लेबाज लेने हैं, चार बल्लेबाज नहीं लेने हैं, चार बल्लेबाज नहीं लेने हैं, कल भी मैंने आपको बोला था चार बल्लेबाज नहीं लेने हैं, दो या तीन बल्लेबाज ही मोस्ट ऑफ मैचेस में परफॉर्म करते हैं, बाकी 10 में से एक मैच ऐसा हो सकता है कि चार परफॉर्म कर जाए, तो हमने एडॉन मरकरम को यहां से ले लिया। अब अगर आप केन विलियमसन और एडॉन मरकरम को है वो दोनों को अपने टीम में लेके जा रहे हो ना, तो फिर भाई इनके मिडल ओवर्स में गेंदबाजी कौन करते हैं, मिडल ओवर्स में गेंदबाजी करते हैं एक तो राजस्थान की तरफ से यजुवेंद्र चहल करेंगे, यजुवेंद्र चहल गेंदबाजी करेंगे, एक रविचंद्रन अश्विन करेंगे, ये दोनों गेंदबाजी करेंगे मिडल ओवर्स में, ये दोनों गेंदबाजी करेंगे मिडल ओवर्स में। अब मिडल ओवर्स में देखिएगा यहां से अगर एडॉन मरकरम, एडॉन मरकरम अगर खेलते आप ले रहे हो, इसको भी ले रहे हो, तो भाई फिर ये मिडल ओवर्स में आउट हो सकता है, ये है वो मिडल ओवर्स में आउट हो सकता है, कौन हो सकता है, त्रिपाठी हो सकता है, इसका मतलब इसका विकेट इन दोनों में से किसी को मिलेगा, रविचंद्रन अश्विन या फिर यजुवेंद्र चहल। तो आप क्या कर सकते हो, या तो सेम चीज कर सकते हो कि आप इन दोनों ही गेंदबाज को मत लो, क्योंकि एक विकेट से काम बनने वाला है नहीं, शायद ना ही बने, या तो आप इन दोनों को मत दो। अगर आप लोग ड्रॉप करते हो एडॉन मरकरम को, अगर आप लोग एडॉन मरकरम को भी ड्रॉप करते हो, जी हां एडॉन मरकरम को भी ड्रॉप करते हो और आप सीधा यहां से निकोलस पूरन को लेते हो, जी हां आप सीधा ही यहां से निकोलस पूरन को लेते हो, तो फिर आप इन दोनों में से एक ले सकते हो मेरे भाई, जी हां फिर आप लोग हैं इन दोनों में से कोई एक ले सकते हो। कैसे, कि मान लीजिए ओपनर गया फिर इन दोनों के बीच साझेदारी हुई, इन्होंने है 40-50 रन बनाए,
मतलब ये ड्रीम टीम के लाइक स्कोर कर जाएगा, उसके बाद ये आउट होगा तो यही करेंगे आउट। उसके बाद अडेन मार्करम आएंगे तो तुरंत अगर वो आउट होते हैं तो फिर निकोलस पूरन आएंगे, इसका मतलब इन दोनों में से किसी एक को उसकी विकेट मिल सकती है या फिर दोनों को एक एक मिलेगी तो कोई मतलब रहेगा नहीं। तो यहां से आप एक को ले सकते हैं, ज्यादा जो चांस लेते हैं ना वो लेते हैं युजवेंद्र चहल, तो मैं रविचंद्रन अश्विन को ड्रॉप करता हूं, युजी चहल को। आप किसी को भी ले सकते हो अपने हिसाब से, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप युजवेंद्र चहल को ही लीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप युजवेंद्र चहल को लीजिए, ऐसी कोई चीज नहीं है, आप किसी को भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हो जाएगा, छह प्लेयर हमारी टीम में आ गए, जो छह प्लेयर है वो हमारी टीम में आ गए। अब क्या करना है, अब हमें राजस्थान के प्लेयर्स का सिलेक्शन करना है। राजस्थान के प्लेयर में सेम चीज है, एक जोस बटलर और यशस्वी जायसवाल, यशस्वी जायसवाल ये ओपन करेंगे। अब देखिए, अगर आप इन दोनों के साथ जा रहे हो, या आप इन दोनों के साथ जा रहे हो, तो फिर इनके जो ओपनर गेंदबाज है, जो ओपनर गेंदबाज है बताए कौन रहेंगे, ओपनर गेंदबाज रहेंगे यहां से भुवनेश्वर कुमार हो गए, उसके अलावा यहां से है वो हो गए उमर मलिक, उमर मलिक हो सकते हैं, जी हाँ उमर मलिक है वो हो सकते हैं। उसके अलावा मुझे लगता नहीं है कि यहां से कोई है, जी हाँ उमर मलिक हो सकते हैं, यहां से हम लोग है वो उमर मलिक को ट्राई करते हैं, ये शायद है वो पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे। तो ये दोनों हो गए, ये दो गेंदबाज आएंगे। बट अगर आप दोनों को ले रहे हो तो फिर किसको, उमर मलिक को लेने का कोई मतलब नहीं है, तो आप उमर मलिक को ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन यहां से यशस्वी जायसवाल या फिर जोस बटलर में से एक को ड्रॉप करते हो तो क्या कर सकते हो, फिर भी आप क्या करना, एक को लेना, यहां से भूवी या फिर उमर मलिक। तो इंपॉर्टेंट ज्यादा भूवी है, थोड़ा सा स्विंग ज्यादा करवाते हैं, फिर लास्ट में जाके भी गेंदबाजी करते हैं, हालांकि उमर मलिक भी करते हैं, जी हाँ उमर मलिक है ये भी करते हैं, बट यहां से ये चीज आप लोग कर सकते हो कि उमर मलिक को है वो ड्रॉप कर सकते हो। एक ऑप्शन आपके पास ये भी है, मार्को जेनसन, अगर ये भी पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं ना तो इनको भी टारगेट कर सकते हो मेरे भाई, अच्छा बाउंस है इनके पास, जी हां अच्छा बाउंस है इनके पास, तो आप लोग इसको भी है ना वो टारगेट कर सकते हो, जी हां इसको भी आप लोग है वो टारगेट कर सकते हो, किसको, मार्कन जेनसन को भी आप टारगेट कर सकते हो। उस तरीके से एक बार के लिए मैंने क्या किया कि मैंने जोस बटलर को लिया है और मैंने यहां से भुवनेश्वर कुमार को अपनी टीम में ले लिया, 4-4-8। अब हमें तीन प्लेयर और लेने हैं, तीन प्लेयर आप किसको ले सकते हैं, तीन प्लेयर आप ये ले सकते हैं कि आप ऐसा कर सकते हो कि राजस्थान की तरफ से फिर है वो पेडिकल शायद ड्रॉप, पेडिकल स्कोर करें, तो पेडिकल स्कोर करते हैं, तो ये हो गया कि उमर मलिक जो पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे उसमें से भूवी विकेट ले लेगा और जो सामने वाला दो तीन ओवर डालेगा उसको विकेट नहीं मिलेगा, फिर वो चाहे मार्कन जेनसन हो, फिर चाहे वो कौन हो, फिर चाहे वो उमर मलिक हो, तो इस तरीके से हमारे नो प्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, दो ही प्लेयर आए, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि मान के चलो फिर विकेट्स गिरती है और विकेट्स गिरती है और संजू सैमसन, अगर आपको लगता है कि भाई संजू सैमसन फिर आउट होगा, अगर संजू सैमसन आउट होगा तो फिर एक चीज आप ये भी कर सकते हो कि संजू सैमसन को ड्रॉप किया और आप जिमी निशम को अपनी टीम में ले सकते हो या फिर रियान पराग को ले सकते हो, जिमी निशम या फिर रियान पराग। अगर देखिएगा, अगर ऐसा कुछ होता है कि जिमी निशम पांचवें बॉलर रहते हैं अपनी टीम के लिए, अगर जिमी निशम पांचवें बॉलर रहते हैं अपनी टीम के लिए तो फिर आपकी टीम में जिमी निशम होने चाहिए, जी हां फिर आपकी टीम में है वो जिमी निशम होने चाहिए, क्योंकि ये आपको गेंदबाजी भी देंगे, जी हां ये आपको गेंदबाजी भी देंगे जहां पर ये इनके विकेट निकाल सकते हैं और ये आपको बल्लेबाजी भी देंगे, यानी कि ये अच्छा फिनिश कर सकते हैं, इसलिए अगर ये पांचवें बॉलर रहते हैं तो आप जिमी निशम को, अदरवाइज यहां से आप लोग सीधा सीधा सी बात है कि आप रियान पराग के साथ जा सकते हो, जी आप लोग रियान पराग के साथ है वो जा सकते हो। एक बार तक हमारी टीम में क्या केवल भुवनेश्वर कुमार आए, लेकिन मिडिल ओवर्स में विकेट गिरी है, मिडिल ओवर्स में विकेट गिरी है तो मिडिल ओवर्स में फिर गेंदबाजी कौन करेंगे, एक तो देखिए यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से कौन है, टी नटराजन भी है, जी हां टी नटराजन है, उसके अलावा यहां से आप क्या कर सकते हो, वॉसी को ले सकते हो, रोमारियो सैफर्ड भी है, मैंने क्या क्या फिर वॉन्सिगटन सुंदर को अपनी टीम में ले लिया। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ये 11 प्लेयर की टीम बन गई, जी हां ये 11 प्लेयर की टीम बन गई। यहां से आप लोग देख सकते हो यहां से तीन बैट्समैन आ गए, जी हां तीन बैट्समैन आ गए, एक ओपनर गया और फिर चार नंबर का बैट्समैन गया, पांच फिनिश करने वाला और फिर एक विकेट जाने के बाद थोड़ी सी जो साझेदारी हुई वो प्लेयर आ गए और इनके विकेट को लेंगे, वो भी प्लेयर हमारी टीम में आ गए। अगर सेम चीज ऐसी रहती है,
सेम चीज ऐसी रहती है कि राजस्थान की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप उस तरीके से है वो सेम चीज को आप अपना सकते हो और इस तरीके से अपनी है वो बेहतर टीम बना सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टनसी को लेके बात करते हैं तो देखिए अगर पहले बैटिंग कर रही है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम तो मैंने कैप्टनसी केन विलियमसन को दे दी, कैप्टनसी मैंने केन विलियमसन को दे दी। वाइस कैप्टनसी मैंने किसको दी, वाइस कैप्टनसी चलिए मैं ट्रेंट बोल्ट को देता हूं क्योंकि अगर हम शुरुआत में विकेट्स दे रहे हैं सनराइजर्स हैदराबाद के, देखिए ये किया क्यों किया, क्योंकि केन विलियमसन रन्स कर रहे हैं, केन विलियमसन रन्स कर रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट, ट्रेंट बोल्ट का ऐसा है कि पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे और पावर प्ले में विकेट्स गिर रही है तो शायद एक विकेट वो निकाल लेंगे और डेथ में जाके शायद एक विकेट निकाल ले तो क्या हो गए, दो विकेट हो गए, इसलिए मैंने है वो वाइस कैप्टनसी किसको दी, इसलिए मैंने वाइस कैप्टनसी है वो ट्रेंट बोल्ट को दी है। तो इस तरीके से आप बेस्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हो, एक एक चीज मैंने आपको बताई है कि कौन कहां पे बल्लेबाजी करता है, कौन गेंदबाजी किस वक्त करता है। सेम चीज जो मैंने बोली त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, ये एक साथ मुझे लगता है कि परफॉर्म नहीं कर पाएंगे सभी लोग, तो एक दो प्लेयर को ही चांस लेना अगर स्मॉल लीग में भी चांस ले रहे हो या फिर ग्रैंड लीग में भी चांस ले सकते हो। ऑफकोर्स राहुल त्रिपाठी स्मॉल लीग के लिए सेफ रहेंगे बिकॉज सिलेक्शन थोड़ा सा ज्यादा है और लास्ट आईपीएल इनका काफी बेहतर रहा है। सो आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वाकई में आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो लाइक कर दीजिए, एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।